खुद पीएम मोदी वीवो फोन कंपनी की देखना चाहते हैं बर्बादी। सीबीआई ईडी का ऑपरेशन चीनी कंपनी। चीन से लेकर भारत तक भारत सरकार ने लगाई पूरी ताकत। भारतीयों की आत्मा पर बड़ी चोट। एक साल पहले भाग गया वीवो फोन का बॉस। भारत की जनता से सबसे बड़ा धोखा कैसे हुआ? चीन की कंपनी ने भारत में आकर इतना कमाया कि 44 ठिकानों पर दो दिनों से छापेमारी चल रही है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि कितने करोड़ का घोटाला है। ये किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ भारत में जांच एजेंसियों की शायद सबसे बड़ी छापेमारी है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस वीवो का फोन आप सस्ता समझकर घर ले आते हैं, उसके खिलाफ पीएम मोदी को ईडी और सीबीआई की टीम लगानी पड़ी है। सैकड़ों अधिकारियों की टीम वीवो की वो फाइल खंगालने में जुटी है जिसमें हजारों करोड़ का राज छुपा है। पहले जान लीजिए कि इस जांच की शुरुआत कैसे हुई, फिर बताते हैं कि इन्होंने भारत सरकार को कितना बड़ा चूना लगाया है। जम्मू कश्मीर के वीवो के एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत मिली। फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर कुछ चीनी नागरिक कंपनी के शेयर होल्डर्स बने थे, तो ईडी की टीम एक्टिव हुई। ईडी की जांच में पता चला कि शेल कंपनियां बनाकर ये टैक्स चोरी करने में लगे थे, करोड़ों का टैक्स नहीं दिया। दिल्ली, यूपी, मेघालय और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही। 44 ठिकानों पर चल रही है रेड। 119 बैंक खातों से 465 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 66 करोड़ की एफडी, 2 किलो सोना, 73 लाख कैश जब्त किया गया। वीवो के डायरेक्टर झेंग शेन ओउ और झांग जी भाग गए। चीन ने कहा है कि भारत में नियम मानना होगा, मतलब चीन सरकार भी इन लोगों से पल्ला झाड़ने में लगी। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि भारतीय मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को उतने प्रमुखता से नहीं उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में टैक्स सिस्टम इतना मजबूत है, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें खाते में थोड़ा बहुत लेनदेन ज्यादा होने पर निगरानी में लग जाती हैं, नोटिस भेजकर बुला लेती है, तो इतना बड़ा घोटाला नजरों से बच कैसे गया? तो उसकी भी कहानी सुन लीजिए। दरअसल चाइनीज कंपनियों के खेल का पता मोदी सरकार को तब चला जब इनकी शिकायतें आने लगी कि फोन तो बड़ी संख्या में बिक रहा है, लेकिन ये किसी न किसी बहाने से टैक्स देने से बच रहे हैं। जब ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, मतलब ये लोग मुनाफे के रूप से शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियां खड़ी कर रहे थे, इसलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि इनका पैसा जा कहां रहा है। बाकी के पैसे ये सीधा हवाला के जरिए चीन भेज रहे थे, इस बात की भी आशंका है, इसलिए इसकी भी जाँच होगी। सीबीआई की टीम पहले से ही वीवो के खिलाफ जाँच में जुटी है। हैरानी की बात तो यह है कि जांच में ये भी पता चला है कि एक ही IMEI नंबर के करीब 1350 फोन वीवो ने बेचे हैं। यानी अगर कोई क्राइम हुआ तो पुलिस आसानी से पता भी नहीं लगा पाएगी, जबकि नियम यह है कि एक IMEI नंबर पर एक ही फोन कंपनी बेच सकती है। वीवो ने इतना बड़ा खेल किया कि 44 ठिकाने पर दो दिन से छापेमारी चल रही है, लेकिन अब तक यह खुलासा नहीं हुआ कि कुल कितने की टैक्स चोरी का मामला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20 हजार वाले 5G फोन में वीवो भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है। इसी साल सिर्फ शुरुआती 3 महीने में इसने 55 लाख फोन बेचे। इस हिसाब से इसका आंकड़ा 1.5 करोड़ पहुंच सकता है। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर इसने एक साल में 1 करोड़ फोन भी बेचे और उसकी कीमत 15,000 के हिसाब से लगाए भी, तो सोच लीजिए कितना फायदा वीवो कंपनी ने कमाया है। लेकिन जो भी कमाया सबके सब बिना टैक्स दिए डकार गए, मतलब आप वीवो कंपनी का फोन सस्ता समझकर खरीद रहे हैं और ये पैसा देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए वीवो की जगह दूसरी कंपनियों के फोन खरीदने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार वैसे भी चाइनीज कंपनियों को लेकर सख्त है। कई चाइनीज ऐप भी बने हुए। देश हित में जब गांधी जी चरखा चलाकर धोती पहन सकते हैं, तो आप और हम चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वीवो ही नहीं बल्कि शाओमी और ओप्पो के खिलाफ बीते दिनों कार्रवाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।